I am Mohammed Salman, lecturer commerce, Boys High Secondary School, Hilsu. Today I have chosen a lesson, Problems of Small Business Units in India. This is for class 11 and the subject is Business Studies, Commerce Stream. पिछले लेसन में मैंने पढ़ाया था कि जो स्मॉल यूनिट्स हैं ये क्या रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. तो मैंने बताया था आपको कि नेशनल लेवल पर जब देखा जाता है तो स्मॉल यूनिट्स जो है यही ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स की. लेकिन इन यूनिट्स में कुछ ऐसे सूरत हाल पैदा हो जाती है कि ये सिक यूनिट्स कहलाते हैं, यानी कुछ प्रॉब्लम्स इनको बैरियर्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, ताकि यूनिट जो ये अपना काम काज यूजुअल काम काज करते थे उनमें रुकावट आकर ये बीमार हो जाती है, यानी सिक यूनिट्स बन जाते हैं या ये रुक जाते हैं, ये अपनी फंक्शंस नॉर्मली नहीं कर पाते हैं. वो क्या प्रॉब्लम्स हैं आज हम उन्हीं पे बात करने जा रहे हैं. पहली है फाइनेंस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स इन ऑर्डर टू कैरी बिजनेस ऑपरेशन इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ फेस्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज. फाइनेंस चूंकि जिस तरह इंसान को ब्लड काम करता है इन्हें सर्वाइव करने में, इसी तरह बिजनेस के लिए फाइनेंस है. फाइनेंस के बगैर बिजनेस तो चल नहीं सकती है. जब ये बिजनेस शुमारी यूनिट्स हमारे चलते हैं आगे कभी उनको इससे ज्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ती है जो कि इस बिजनेस होल्डर के पास नहीं होता है. यानी अब उसके पास पैसा नहीं है तो नतीजन क्या होता है, सारा असर जो है वो बिजनेस पर पड़ जाता है. ये बिजनेस वहां पर ही रुक जाती है, अपना काम काज इसी तरह से नहीं कर पाती है. नंबर सेकंड है रॉ मटेरियल. हम देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं उनको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है. अगर उनको फंड्स अवेलेबल ना हो तो वो रॉ मटेरियल खरीद नहीं सकते हैं. जब वो रॉ मटेरियल ना खरीद लें तो वो क्या प्रोड्यूस कर लेंगे, ये दूसरी प्रॉब्लम है. तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है, उसके बाद जब फंड्स नहीं आते हैं तो हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, तो हम इस बिजनेस यूनिट्स के जो फंक्शंस हैं उनको जारी नहीं रख सकते हैं. तीसरा है मैनेजीरियल स्किल्स. मैनेजीरियल स्किल्स क्या होता है, जो हमें इस मैनेजमेंट में जो डिसीजन लेने में हमें स्किल्स चाहिए उनके लिए भी हमें हायर करना पड़ता था किसी को, ताकि वो ये स्किल्स हमें सिखा ले ताकि हम अपने काम काज को अच्छी तरह से निभा सके, आगे ले सकते, ट्रेड अपने वर्कर्स को कर सकते हैं. अगर हमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है, फंड्स नहीं आते या स्किल्ड मैन नहीं मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी ट्रेनिंग की कोई मशीन हमने लाए जिससे हम मैन्युफैक्चर कर, जो हमें जरूरी होती है मैन्युफैक्चरिंग में, अगर उसको चलाने में वो स्किल जो सीखना था अगर उसमें हमें वो स्किल्ड पर्सन ना मिला तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है इन स्मॉल यूनिट्स को, जो इसके फंक्शंस को, नॉर्मल फंक्शंस को आगे चलाने में रुकावट बन जाती है. तीसरा है लेबर. लेबर क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं जिनकी वजह से, यानी एंटरप्रेन्योर जो है वो तो यूनिट कायम कर लेता है लेकिन काम चलाने वाले को कौन होते हैं, वर्कर्स होते हैं. अब हमें क्या है, अगर हमें फंड्स, हमें अवेलेबल फंड्स, अच्छी तरह से फंड्स हमारे यूनिट में ना हो तो हमें उनकी सैलरीज, हमें यानी जिसको जब हमें हायर करना पड़ता है, जितना भी हम हायर ज्यादा पे देंगे उसमें क्वालिटीज ज्यादा होंगी. जब हमारे पास क्वालिटी ज्यादा हो जाती तो हमारे यूनिट्स जो है ये आगे चल सकते स्किल्ड पर्सन. अगर हमें फंड्स की कमी हो जाती है, स्मॉल यूनिट्स में फंड्स की कमी हो जाती है, तब हम ऐसे लेबर्स को सैलरीज नहीं दे पाते हैं तो हमें चलाना पड़ता है, हम लो पेड एम्प्लॉयज को लाते हैं. वो लो पेड एम्प्लॉयज को जब हमने लाया तो वो काम भी ऐसा ही कर लेते हैं. नतीजन क्या होता है, सारा असर इसका जो होता है वो यूनिट पर पड़ता है, बिजनेस यूनिट पर पड़ता है. अगला जो है दैट इज मार्केटिंग. अगली प्रॉब्लम जो स्मॉल यूनिट्स फेस करते हैं दैट इज मार्केटिंग. जब हमने प्रोड्यूस कर लिया
जब आप देखते हैं कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट को, अगर आप देख लेंगे, प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन उनको मार्केट अवेलेबल नहीं होता। जब मार्केट अवेलेबल ना हो, हमारा प्रोडक्ट जो है वो रुक जाता है। जब प्रोडक्ट रुक जाए तो हमारी जो हमने जो कैपिटल यूटिलाइजेशन होता है, जो पैसा इसमें लगाया होता है, वो रुक जाता है। नतीजन सारा असर जो यूनिट पर पड़ जाता है। उसके बाद है क्वालिटी। अगर हमारे पास पैसा ज्यादा ना हो तो हम स्टैंडर्ड क्वालिटी इस्तेमाल अपने यूनिट में नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये भी एक बैरियर है। तीसरा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होता है? अगर हमारा यूनिट 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है तो हमें डिमांड उसकी नहीं, आगे मार्केट में नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। या हमें स्किल्ड पर्सन नहीं है ताकि हम इस कैपेसिटी को यूटिलाइज करते, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज प्रॉब्लम दैट स्मॉल यूनिट फेस। उसके बाद क्या है, दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है लैक ऑफ डिमांड। जब हमें डिमांड ना आए, उसके बाद है दूसरी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, अगर हमारे यूनिट में जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, अगर हम उस काबिल ना हो ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स अवेलेबिलिटी, तो हमारे यूनिट पर बुरा असर पड़ता है, ये भी एक बैरियर है। सिकनेस, जब हमें इनमें से किसी भी चीज की कमी महसूस हो जाती है, हमारा यूनिट जो है वो सिक हो जाता है, ये बीमार हो जाता है, ये रुक जाता है वहां पर, ये काम आगे नहीं कर सकता है। उसके बाद है ग्लोबल कंपटीशन। क्योंकि हम कहते हैं जो स्मॉल यूनिट्स हैं इनमें कैपिटल कम होता है, यूटिलाइज कम होता है, जब इंटरनेशनल लेवल पर हाँ ये मार्केट में कम्पीट करता है इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को, वहां पर हमारा प्रोडक्ट कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ सकता है। दीज आर सम प्रॉब्लम्स विच द स्मॉल यूनिट्स ऑफ इंडिया फेस।